दसवीं बारहवीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जाने कब जारी होंगे परिणाम, क्या बोले अधिकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूवी न्यूज में। बोर्ड परीक्षाएं हर छात्र के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण आना हर छात्र का सपना होता है, चाहे वह दसवीं हो या बारहवीं। हर छात्र चाहता है उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में और उसके बाद वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सके। लेकिन CBSE हर साल की तरह बच्चों के रिजल्ट में देरी कर रहा है। इस वजह से बच्चे काफी परेशान हैं कि आखिर वह कैसे और कब कहां एडमिशन लेंगे। तो आपको बता दें, CBSE की दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही किसी भी समय दसवीं बारहवीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। ऐसी खबरें थी कि असम में आए बाढ़ की वजह से परीक्षा का रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि CBSE की आंसर शीट का मूल्यांकन रीजनल सेंटर पर ही किया जाता है, इसलिए इस वजह से रिजल्ट में देरी का कोई सवाल ही नहीं है। इससे पहले CBSE की प्रवक्ता रमा शर्मा ने कहा था कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। रिपोर्ट के अनुसार CBSE की दसवीं की कक्षा का परिणाम 13 जुलाई तक घोषित होने की उम्मीद है। वहीं बारहवीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। छात्रों को दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में पास होने के लिए हर पेपर में न्यूनतम 33% अंक लाने होंगे। इस साल CBSE की दसवीं बारहवीं टर्म 2 की परीक्षा में कुल 35,00,000 छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या फिर result.government.in पर देख सकते हैं। बता दें कि CBSE की फाइनल मार्कशीट टर्म 1 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को 30% और टर्म 2 की परीक्षा में 70% वेटेज देते हुए तैयार की जाएगी। स्कोर कार्ड में इसके अलावा इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक भी शामिल होंगे। मालूम हो कि टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम पहले ही मार्च में घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आपके रिजल्ट जिस भी दिन आएंगे, आपकी क्या उम्मीद है कि आपको अंक परीक्षा में कैसे आएंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।